दिवाली शॉपिंग से रिलेटेड जो भी बातचीत होती है, यही हम इस पैराग्राफ में हम लेके आए हैं। तो इस पैराग्राफ को रीड करने से पहले हमको यह ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे फ्रेंड हैं जिसमें दिवाली से रिलेटेड बातचीत होती है, जिसमें से कोई एक अपने शॉपिंग से रिलेटेड जो भी बात है वह बताती है। तो चलो अब पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीना, इस दिवाली में क्या खरीदने वाली हो बताओ हमें। रीना बताती है अपने दोस्तों को, मैं आपको बता दूं, इस दिवाली में मैं बहुत कुछ खरीदने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपने लिए OnePlus Nord 2T फोन खरीदूंगी, फिर मैं अपने माँ के लिए एक साड़ी खरीदूंगी, और मैं अपने पिताजी के लिए कुर्ता पैजामा खरीदूंगी, मैं अपनी छोटी बहन के लिए सरारा गरारा खरीदूंगी, और मैं अपने भाई के लिए एब्रोस के जूते खरीदूंगी, मैं अपने दादा दादी के लिए कुछ विशेष उपहार खरीदूंगी। सच बताऊं तो मैं इस खरीदारी के लिए बहुत उत्साहित हूँ। यह पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर हम ना विल का ही यूज़ करते हैं, तो हम विल का ही यूज़ करके इस सेंटेंस को बनाएंगे, और सब्जेक्ट में आई भी रहेगा क्योंकि हम अपने बारे में बता रहे होते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट। इस दिवाली में क्या खरीदोगी? रीना, व्हाट मतलब क्या? हमने विल का इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये पूरा सेंटेंस फ्यूचर में लिखा हुआ है, तो हम सारे सेंटेंस में हम फ्यूचर की वजह से विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। यू मतलब तुम, और यहाँ पे रीना के लिए यूज़ किया गया है। परचेस मतलब खरीदना। ऑन दिस दिवाली मतलब इस दिवाली में। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, रीना इस दिवाली में क्या खरीदोगी? रीना, व्हाट विल यू परचेस ऑन दिस दिवाली? हमें बताओ, हमें बताओ कि इंग्लिश में कहते हैं लेट अस नो, लेट अस नो। रीना बताती है अपने दोस्तों को, तो हम दो तरीके से कह सकते हैं कि रीना रिप्लाई टू हर फ्रेंड्स, क्योंकि अपने फ्रेंड है इसलिए यहाँ पे हर फ्रेंड्स आएगा दोस्तों को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं रीना से टू हर फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं को हम इंग्लिश में कहते हैं लेट मी टेल यू। लेट मी टेल यू का मतलब होता है मैं आपको बता दूं। इस दिवाली में मैं बहुत कुछ खरीदूंगी। इस दिवाली को कहते हैं, इस दिवाली मतलब दिस दिवाली। खरीदना मतलब परचेस, लॉट मतलब बहुत सारे, थिंग्स मतलब चीजें। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, आई विल परचेस लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन दिस दिवाली। सबसे पहले को हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्टली। मैं अपने लिए OnePlus Nord 2T फोन खरीदूंगी। आई विल परचेस, यहाँ पे सब्जेक्ट आई होगा और हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की वजह से हम विल का यूज़ करेंगे। परचेस मतलब खरीदूंगी, OnePlus Nord 2T ये फोन का नाम होता है। फॉर मतलब खुद के लिए, किसके लिए? फॉर मी मतलब खुद के लिए। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, फर्स्टली आई विल परचेस OnePlus Nord 2T फोन फॉर मी। फिर मैं अपने माँ के लिए एक साड़ी खरीदूंगी। फिर को हम इंग्लिश में देन कहते हैं, आई विल परचेस अ साड़ी फॉर मतलब के लिए, माई मॉम मतलब अपने माँ के लिए। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, देन आई विल परचेस अ साड़ी फॉर माई मॉम। और को इंग्लिश में एंड कहते हैं, मैं अपने पिताजी के लिए कुर्ता पैजामा खरीदूंगा। फॉर मतलब के लिए, माई डैड मतलब मेरे पिताजी। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, एंड आई विल परचेस कुर्ता पैजामा फॉर माई डैड। मैं अपनी छोटी बहन को यंगर सिस्टर कहा जाता है, फॉर मतलब के लिए। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, मैं अपनी छोटी बहन के लिए सरारा गरारा खरीदूंगी। आई विल परचेस सरारा गरारा फॉर माई यंगर सिस्टर। और मैं अपने भाई के लिए एब्रोस के जूते खरीदूंगी। एब्रोस ब्रांड का नेम है। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, आई विल परचेस एब्रोस शूज फॉर माई ब्रदर। मैं अपने दादा दादी के लिए कुछ विशेष उपहार खरीदूंगी।
दादा दादी को हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। गिफ्ट मतलब उपहार, स्पेशल मतलब कुछ विशेष, सम मतलब कुछ। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, आई विल परचेस सम स्पेशल गिफ्ट फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स। सच बताऊं को हम इंग्लिश में कहते हैं आई ट्रूली से डैट। मैं इस खरीदारी के लिए बहुत उत्साहित हूँ। उत्साहित मतलब एक्साइटेड। फॉर मतलब के लिए, शॉपिंग मतलब खरीदारी के लिए। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई ट्रूली से डैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर शॉपिंग। यदि हम इसे कंप्लीट इंग्लिश में बोलना हो तो हम इस तरीके से बोलेंगे, लेट मी टेल यू आई विल परचेज लॉट्स ऑफ थिंग ऑन दिस दिवाली। फर्स्टली आई विल परचेज 1+Note 2T फोन फॉर मी। देन आई विल परचेज अ साड़ी फॉर माई मॉम। एंड आई विल परचेज कुर्ता पैजामा फॉर माई डैड। देन आई विल परचेज सरारा गरारा फॉर माई यंगर सिस्टर। एंड आई विल परचेज एब्रॉस शूज फॉर माई ब्रदर। Then I will purchase some special gift for my grandparents. I truly say that I am very excited for shopping. यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या परचेस करने वाले हो।